इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाले क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले आप जनरल टर्म लिख लो। तो इसका जनरल टर्म बनेगा 9cr, ओके। पहला वाला जो टर्म है वो है 3x² / 2, और दूसरा वाला जो टर्म है वो है -1/3x। इसकी पावर आएगा 9 - r, और इसकी पावर आएगा r। तो x की पावर कितना हो गया, देखो है ना, x की पावर आ जाएगा, इधर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 18 - 2r x की पावर, और यहां से एक और माइनस r आएगा, और हम चाहते हैं कि जीरो हो जाए। भाई अपने को चाहिए कि x की पावर को जीरो कर दो, तो x की पावर इधर भी है, क्लब कर दो, जीरो कर दो। तो यहां से बेसिकली r का वैल्यू 6 आ गया। तो आप r का वैल्यू 6 पुट कर दो, मतलब जो भी सेवंथ टर्म आएगा दैट विल बी द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, वो कितना आएगा, तो 9c6 3/2 है ना। अब x की पावर तो जीरो ही आएगी, तो आपको x का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 3/2 की पावर 9 - 6, तो इधर 3 आ जाएगा, और -1/3 की पावर 6। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में बोला है कि द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इज k, तो इसका नाम है k। ओके, क्वेश्चन में यही बोला है कि आप टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालो, वो जो भी आएगा दैट इज k। तो आपको निकालना है 18 के, तो आप 18 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड्स। फाइनली अपने को ये फाइंड आउट करना है, मतलब इधर भी आप 18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आप सॉल्व करो। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 * 8 * 7, 6 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे आएगा 3 * 2 * 1, और इधर अगर आप करोगे तो नीचे आ जाएगा 2 का क्यूब, और नीचे ही नीचे आएगा आपके पास 3 का भी क्यूब, है ना, 3 * 3 * 3, और ये 18 है, 18 मतलब 3 * 3 * 2। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, तो एक तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक ये भी कैंसिल हो जाएगा 3 * 3 * 3, एक ये भी कैंसिल हो जाएगा 3 * 3 9, और ये भी 9, ठीक है, और एक ये 2 और एक ये भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब बचा गया 7 बचा। फाइनल आंसर कितना है, फाइनल आंसर 7 आएगा, ठीक है। तो 18k का जो वैल्यू है दैट इज ऑप्शन डी, तो सिंपल ना।